हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपालीज़ रेसिपी। आज हम बनाएंगे ये टेस्टी हरे मटर की सब्ज़ी। इससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मटर की सब्ज़ी किसे नहीं पसंद, छोटे से लेके बड़ों तक सबको पसंद है। तो चले बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है करीबन 300 ग्राम हरे मटर, दो बारीक कटे हुए टमाटर, दो बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया, हल्दी, कांदा, लहसुन मसाला, हींग, नमक और तेल। अब हम गैस ऑन कर उस पर कढ़ाई रख देंगे। इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने पर हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें एकदम ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। करीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें अपने हरे मटर ऐड करेंगे। पहले ही मटर को तेल में पकाने से मसालों का स्वाद अच्छे से मटर में घुल जाएगा। अब करीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें एक चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें 4 छोटे चम्मच कांदा लहसुन मसाला ऐड करेंगे। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कांदा लहसुन मसाले के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे और करीबन 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सब्ज़ी सूखी बनाने वाले हैं तो हम पानी थोड़ा ही यूज़ करेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, करीबन 2 कटोरी। हमने इसे फास्ट गैस पे रखा है जब तक कि पानी उबले ना। करीबन 2 मिनट हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं कि हल्का सा पानी उबलने लगा है और 1-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी कितने अच्छे से उबलने लगा है। अब हम गैस मीडियम करके इस पे ढक्कन रख देंगे और इसे पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम हमारी सब्ज़ी चेक करेंगे। मटर अभी तक पके नहीं हैं तो हम फिर से इस पे ढक्कन लगा के इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम हमारी मटर की सब्ज़ी फिर से एक बार चेक कर लेंगे। मटर अच्छे से पक गए हैं, पर हम इसे थोड़ी देर और गैस पर रखेंगे जब तक कि पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए। अब हमने 2 से 3 मिनट सब्ज़ी को हाई फ्लेम पर रखा था, पानी पूरी तरीके से सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे हरे मटर की सब्ज़ी रेडी है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।